किचन में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जैन आज बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको कि घर में कैसे बनेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है और आप बनाइए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, हम छोटी सी एक रेसिपी को हम शेयर कर रहे हैं हमने आपके साथ। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए पहले हम रोल के लिए डो लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक कटोरी मैदा ली है, आधा कटोरी आटा डाल रहे हैं इसमें, एक चम्मच नमक डाल रहे हैं, ये मिला रहे हैं हम, और इसमें हम बीच में ये रिफाइंड डाल रहे हैं अपना। ये हमने इसमें घी और अपना वो नमक मिला लिया है और अब हम पानी से इसे गूंद रहे हैं आटे को। आटा हमने ये नॉर्मल रखना है जैसे हम पूड़ी का गूंदते हैं, और गूंदने के बाद हमें इसे पूरा एक घंटा रखना है। देखिए एक घंटा हो गया है हमारे आटे को। अब हम इसे थोड़ा सा हाथों से ऐसे ठीक कर लेंगे और इसके बाद घोलिए, और अब हम इसे धीरे धीरे बेल रहे हैं। ये देखिए रोटी हमारी बेल चुकी है और अब हम इसमें फिलिंग भर रहे हैं अपनी। फिलिंग हम चौमिन की भर रहे हैं, नूडल्स की। हमने पिछली वीडियो में मैंने नूडल्स बनाए थे तो उसी में भर रही हूँ। उसमें बस मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। हमने इसके अंदर एक तो कलर डाला है और एक इसके अंदर हमने थोड़ा सा गार्लिक भी डाला है। चौमिन हमने इसके अंदर इसमें रख ली है और ऐसे ही रखनी है हमने, और हम साइड में पानी लगाएंगे थोड़ा सा ताकि ये चिपक जाए आराम से। इसको पहले ऐसे हमने फोल्ड करना है, ये देखिए, और फिर ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से, और लास्ट में जब आप चिपकाएं इसे तो थोड़ा सा हाथों से ऐसे चिपका दीजिए। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये रोल बन गया है। घी हमने गर्म होने रख दिया है और इतनी देर हम अपना दूसरा वाला रोल भी बेल रहे हैं। ये देखिए दूसरा रोल भी मैंने बेल लिया है, और ये बिल्कुल पतला बेलना है हमने। जितना आप पतला बेलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अब इसको भी हम फिल कर रहे हैं, और इसको भी वही। इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे हम, और इधर से ऐसे, और ये देखिए बहुत इजी फोल्ड हो जाते हैं ये, और बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। आप थोड़ा सा पानी इसमें लगा लेना साइडों में। ये देखिए ये हमारा घी गर्म हो चुका है और हम इसमें रोल डाल रहे हैं अपने। ये देखिए हमारे थोड़े थोड़े से ब्राउन होने लगे हैं। ये देखिए ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर बिछा लिया है और उसको सारा घी ऐसे साइड में करके और आप निकालिए आराम से। ये देखिए हमने निकाल लिए है और ये बहुत करारे बने हैं, और अब हम इसे काट रहे हैं। देखिए ये मेरे स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी है, और हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और सैलेड के साथ सर्व किया है। और जो हमारी रेड चटनी है वो मैंने मोमोज वाली चटनी ही बिल्कुल रेसिपी बनाई है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में पहले बनाया था, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और ग्रीन चटनी हमारी घर वाली है, जो हमने घर में हरे धनिया की और पुदीना से हरी मिर्च से बनाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरे चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम। बाय।